आप फंसी के रिश्ते के बारे में कह रही थी। हाँ बेटा, बस फंसी की जिम्मेदारी रह गई है मुझ पर। अच्छी सी लड़की से इसकी शादी हो जाए इंशाल्लाह, फिर मैं फारिग हो जाऊंगी अपनी जिम्मेदारी से। फूफो, पहले मुझे सेट तो होने दें। सबसे पहले मैंने घर लेना है, चाहे किराए का हो। बेटा घर क्यों? क्यों मैं? क्या अपनी बीवी के बोझ भी हमारे सर पे डालेगा? उठाने दे से अपनी जिम्मेदारी। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब है तुम्हारा? कैसी फजूल बातें कर रहे हो तुम? फूफो, दानियाल भाई सही कह रहे हैं, मुझे अपने घर का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। कते नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अरे इसमें हर्जी क्या है? ठीक है, चले जाना, जब मैं मर जाऊं तब। पप्पू, पप्पू प्लीज रिलैक्स, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या हो गया अम्मी, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है इस बात का? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बाबा सारे चुप। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलते। मैंने कह दिया कोई कहीं नहीं जा रहा है। कोई कहीं नहीं जा रहा अम्मी, प्लीज खाना शुरू करें। वो भी मेरी बहू होगी, उसे मैं कैसे कहीं जाने दे सकती हूँ? बेटा खाना लो। आप ही सुना है तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे? हाँ सुना तो मैंने भी है, मगर तुम हमेशा की तरह उन्हें भी टहला दोगी? हाँ अगर ये भी उन जैसे हुए तो। आखिर कैसा रिश्ता चाहिए तुम्हें? सबसे अलग, सबसे मुनफरिद, जो बड़ी सी गाड़ी मुझे लेने के लिए आएगा। आप ही, आखिर बड़ी गाड़ी वाले हमारे छोटे से घर में क्यों आएंगे? क्यों नहीं आ सकते, मुझ में क्या कमी है? सिर्फ शक्ल ही तो अच्छी है ना? हाँ लड़कियों की शक्ल ही देखी जाती है। मेरी प्यारी बहन, जब खूबसूरत सी बहू घर में आती है तो घर में चांदनी फैल जाती है। हाँ चाहे वो खूबसूरत बहू घर आकर घर का सुकून ही बर्बाद कर दे। तुम्हें ऐसी लगती हूँ मैं? सॉरी आप ही, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ल पर नाज बहुत है। हाँ वो तो है। चलो अल्लाह करे आने वाले लोग तुम्हारी सोच के मुताबिक ही निकले। वैसे अम्मी बताई भी काफी अमीर लोग हैं। हाँ सुना तो मैंने भी है। बस अब लड़के को देखना बाकी है, फिर फैसला होगा। जी नहीं, उसका फैसला भी मैं करूंगी कि मुझे इस लड़के से शादी करनी भी है या नहीं। अगर वो तुम्हारी सोच के मुताबिक इतना डैशिंग ना हुआ तो साफ इनकार। मेरे ख्वाबों का शहजादा तो बहुत ही डैशिंग और इंतहाई अमीर होगा। अच्छा आखिर तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा है कहाँ? होगा कहीं अरीब करीब, झट से मेरे सामने आएगा और मुझे हैरान कर देगा।